हेलो, यू ऑल आर वेलकम इन माई किचन। आई एम कविता गुप्ता फ्रॉम क्रिएटिव कुकरी क्लासेस। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ी और मिनटों में कैसे बनाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे क्या क्या लिया है आप लोगों को दिखा देते हैं। चॉप्ड वेजिटेबल्स लिए हैं मैंने, कैप्सिकम है, और यहाँ मैंने लिया है फाइनली चॉप्ड पनीर, और यहाँ चॉप्ड टोमेटोज। आप चाहें तो कुछ वेजिटेबल्स और भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कलर्ड बेल पेपर्स हो गई और कॉर्न हो गए। तो मैं यहाँ एक बोल में 1/4 कप कैप्सिकम ले रही हूँ, 100 ग्राम पनीर स्लाइस्ड डाइस्ड है प्रॉपर तरीके से, यहाँ टमाटो अच्छा बिग टमाटो मैंने लिया है एक चॉप्ड करके 1/4 कप। तो ये देखिए मैंने यहाँ वेजिटेबल्स को मिक्स किया है। दूसरे बोल में मुझे एक पेस्ट बनाना है, इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। केचप लिए है 1 टेबलस्पून, और ये चिपोतले म्यूनिस, और अमूल क्रीम या क्रीम चीज अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इसके अंदर डालना है चिली पेस्ट, 1/4 टीएसपी मैंने यहाँ चिली पेस्ट लिया है। थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर्स मुझे बहुत पसंद है इसके अंदर, तो मैंने यहाँ इसके अंदर चिली पेस्ट डाल दिया। और ये देखिए एक पेस्ट रेडी हो चुका है, अच्छे से मिक्स करना है। सॉल्ट या कुछ नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी हमारी मेयोनीज केचप में सॉल्ट। ये देखिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 टीएसपी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, ब्लैक पेपर 1/4 टीएसपी, साथ में मैं यहाँ ले रही हूँ पिज़्ज़ा स्पाइस मिक्स 1 टीएसपी, और इसके अंदर मुझे डालने हैं चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो इसमें पेरी पेरी मसाला जो है मेरा वो मैं डाल रही हूँ, और 1/2 टीएसपी। यहाँ ये मेरा स्प्रेड है, और साथ में मुझे क्या करना है, ये मेरा अमूल का थोड़ा सा चीज़ है मोज़रेला ग्रेटेड चीज़ वेजिटेबल्स के साथ में इसमें ऐड करने वाली हूँ। थोड़ा सा ऊपर से मैं स्प्रिंकल करूँगी। तो ये देखिए मेरी वेजिटेबल्स रेडी हैं, और इसमें थोड़ा सा मुझे इसका पेस्ट मिक्स करना है ताकि मैरिनेट हो जाएं। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हल्का सा करना है। तो ये वेजिटेबल्स मेरी रेडी हो गई। अब मुझे करना क्या है, मेरी फिलिंग रेडी है, मैं इसे साइड कर रही हूँ, और मुझे बनाना है इसका चीज़ी जिसके लिए जो ब्रेड की स्लाइस रेडी करनी है उसको तैयार कर। तो चलिए हम ब्रेड की स्लाइस पे चीज़ी डिस्क बनाने के लिए रेडी करते हैं। मैंने यहाँ वाइट ब्रेड लिया है, आप कोई भी ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। मैंने यहाँ दो कटर लिया, एक बिग साइज़ और एक स्मॉल साइज़। आप चाहें तो किसी बोल या ग्लास से कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ शेप्स दे रही हूँ अपनी चीज़ी डिस्क के लिए। तो ये मेरे स्लाइस कट के तैयार हैं। इसके लिए आप शाही टुकड़ा बना सकते हैं ब्रेड का, बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप इसके लिए मेरा जो लिंक है आपको इसके कमेंट सेक्शन यहाँ मिल जाएगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी चीज़ी डिस्क बनाना स्टार्ट करते हैं। 1/4 कप अनियन चॉप,
ये देखिए मिक्स करना है अच्छे से। मेरी जो फिलिंग है रेडी हो चुकी है, बहुत ही यमी वाली। टू टू थ्री टेबलस्पून बटर ऐसे मुझे मेल्ट करना है। ये देखिए मेरा ये जो बटर है मेल्ट हो चुका है, और इसके अंदर थोड़ा सा सीजनिंग डाल रही हूँ, पिज़्ज़ा सीजनिंग, और ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आए। और थोड़ा सा मुझे डालना है इसके अंदर चिली फ्लेक्स। ये मेरा सीजनिंग स्पेशल बटर रेडी है, और इसके साथ मुझे करना क्या है, चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसे बनाने से पहले मुझे एयर फ्रायर को ऑन करती हूँ 180 की पावर पे, और मुझे 5 मिनट्स के लिए प्रीहीट करना है। मेरा माइक्रोवेव प्रीहीट होना स्टार्ट हो गया है एयर फ्रायर, तो अब मैं इसको चीज़ डिस्क बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक ब्रश लेना है और अच्छे से बटर करना है, और ये हो गया है। और इसके बाद जो हमने एक पेस्ट बनाया था इसको डिस्क पे स्प्रेड करना है। तो ये हो चुका। इसके बाद मैंने ये जो कट किया है सर्किल इसको इस पे कवर कर दिया। तो ये देखिए दो डिस्क मेरी रेडी हैं। इसमें मुझे करना क्या है, ये मेरी जो फिलिंग है तो इसको थोड़ा चीज़ हमने इसके अंदर डाल दिया है ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ी हो, क्योंकि इसका नाम है चीज़ी डिस्क। और थोड़ा सा चीज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, उसके बाद इसकी फिलिंग। ये देखिए मेरी जो डिस्क हैं रेडी हैं, और इसके ऊपर से भी हमें थोड़ा सा बटर लगाना है। तो ये देखिए मेरी बेकिंग में जाने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा चाहिए तो आप थोड़ा सा चीज़ ऊपर से भी टॉप पे भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें बेक करना है, प्री हीटिंग हो चुकी है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेकिंग करना। और इसको जिसको तो ये देखिए 3 to 4 मिनट्स का टाइम लगाया है, और ये विद इन 3 मिनट्स बन के रेडी हो जाएगा। तो चीज़ी डिस्क बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही क्विक है, और बच्चों को आप झटपट बना के दे सकते हो, और बच्चों के लिए बहुत ही पसंद आने वाली है। तो ट्राई कीजिए और खाइए और खिलाइए।